ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। अब धर्मदास जी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे गीता जी का पाठ करूंगा, राम कृष्ण का जाप जपूंगा और तीर्थ में स्नान करूंगा, इससे मोक्ष मिलेगा। परमात्मा कहने लगे, धर्मदास जिस तालाब में, जिस जोहड़ में तूने स्नान किया और जल का लोटा भर के उसने साथ रखा हुआ था, उस जोहड़ से, तालाब से, मथुरा के सरोवर से, उसमें जीव जंतु घूम रहे थे उस जल में, लोटे के जल में। परमात्मा ने कहा कि इस तालाब में ये जीव जंतु रहते हैं, और देख इस तालाब में मछली हैं, कछुए हैं, मेंढक हैं, ये तो सदा इसी में रहते हैं, तो तेरे से पहले तो इनका मोक्ष हो जाना चाहिए था, अगर तू इस तीर्थ में नहान मात्र से, स्नान मात्र से मोक्ष मानता है। तीर्थ जल में कछ और बच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कछ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। इनकी मुक्ति ना होती जो कष्ट बहुत सा सहते हैं। इनकी मुक्ति ना होती ये कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब किसका धरते ध्यान, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। फिर दूसरा और तरीका बताया, एकादशी का व्रत करत हूं, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूं, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। शालग्राम की पूजा करता मैं दिन में, सुबह और शाम, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। भगवान बोले, यदि एकादशी का व्रत होता, सारा दिन कुछ नहीं खाना, कति नहीं खाना, और भगवान ने कहा गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये साधना, ये योग, ये भक्ति ना तो गणा खाने वाले की, और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, यानी व्रत करने वाले की, कभी सफल नहीं होती। और पढ़े गीता करे उसके उल्टे काम सारे, तो कहेगा भगत है। और फिर बताया कि यदि व्रत करने से, भूखा मरने से परमात्मा प्राप्ति होती है, तो जिस समय अकाल गिरे हैं, लाखों लोग हाहाकार मर के 20-20 दिन भूखे, 30-30 दिन भूखे रहकर मर गए हैं, केवल घास भी खाने को नहीं मिला, तो क्या उनका मोक्ष हो गया? व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा और सालग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा या सालग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन होकर भूल रहे तुम हुए पत्थर से नफराम, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे,
हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। फिर परमात्मा आगे बताते हैं, तीर्थ बाट चले जो प्राणी वो जीव बहुत से मार है। ओए ओए। परमात्मा ने पूछा कहाँ से आए हो आप? धर्मदास जी ने कहा मैं बांधवगढ़ से आया हूँ। बांधवगढ़ से मथुरा कितनी दूरी पर है? 250 कोस। 250 कोस मीन 700 किलोमीटर। और कहा मैं पैदल चल के आया हूँ। धर्मदास जी कहते हैं क्योंकि धार्मिक व्यक्ति थे, पहले साधन भी ऐसे नहीं थे, कहने लगा मैं पैदल चल के आया हूँ वहाँ से यहाँ तक। तो परमात्मा ने कहा वहाँ से तेरे बांधवगढ़ से MP में है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, और वहाँ से UP में मथुरा यहाँ तक आने में कितने जीव कीड़े मकोड़े तने कुचल डाले, और तू कह मैं जीवन सा नहीं करता, और इस जल में स्नान किया तने इस तालाब में, तीर्थ के तालाब में कितने जीव मार दिए, जैसे लोटे में देख तेरे जीव जंतु घूम रहे, और स्नान करते समय जो तने रगड़ रगड़ के मार डाले, और पाप पुन एक भी कोई ना इस डले डोन का, और पाप कर लिए तने अरबों कट्ठे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी वो जीव बहुत से मारे है, जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं स्नान करत संगार है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत हैं स्नान करत संगार है। भाई चौका देवो अवन करो, चौका देवो ये लिपा पोती करते हैं अलग से, और फिर रोटी बनाते हो खाना बनाते हो, चौका देवो अवन करो उनमें हो हिंसा बे अन उन्मान, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। 7 दीप और 9 खंड ये सोपन जैसा खेल है, 7 दीप और 9 खंड ये सोपन जैसा खेल है, 3 लोक और ये भवन चतुर्दश ये काल बलि की जेल है, 3 लोक और भवन चतुर्दश ये काल बलि की जेल है, महाप्रलय में नष्ट हो जावे फिर कहाँ करो विश्राम, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। अब धर्मदास ने काफी वाद विवाद किया तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, सामने से अदृश्य हो गए, फिर वो रोन लग गया, अक जुलम कर दिया मैंने तो, कितना सुंदर ज्ञान देवे थे और मैं वाद विवाद से भगवान को दूर कर दिया। इतनी कह साहेब कबीर अंतर ध्यान होया जी, इतनी कह परमेश्वर कबीर अंतर ध्यान होया जी, अपनी गलती जाने धर्मदास फूट फूट के रोया जी, अपनी गलती जाने धर्मदास फूट फूट के रोया जी, भूल में जीवन खोया जी अब हो गया सच्चा ज्ञान, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। अब ये मथुरा जाने वाले क्या करते हैं, बरसाना जाते हैं, और बरसाना में किस लिए जाते हैं कि कृष्ण जी के पाने के लिए राधा जी की सिफारिश लुवाने, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे न मुश्किल तो मिला करता रो पीट के श्याम राधे न मिलवाओगी, ना राधे बरसाने में ना वो श्याम बरसाने में, और वो राधे और श्याम की मान ले थरे सिफारिश लाग भी गई तो कृष्ण जी प्राप्त होगा विष्णु जी जन्म मृत्यु में। परमात्मा कहते हैं ये महाप्रलय में सारे मर जाएंगे तब कहाँ विश्राम करोगे, कहाँ रहोगे तुम, तो क्या ये बात समझ में आएगी। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाहा ना तीर्थ नाने को, पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाहा ना तीर्थ नाने को, वापस घर को चल पड़ा तज उस वृंदावन बरसाने को, वापस घर को चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को, हे बंदी छोड़ तेरे पाने को
अब खोजूं अपनी जान, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। रो रो रुदन मचावन लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचावन लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति तब पाई, जब मिले कबीर भगवान, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं।